तो ये लो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दिल्ली की फेमस फतेह चंद की कचौरी। और ये आप भैया को देख रहे हैं, ये मसाले डालते हुए भैया, और ये भैया यहाँ पे नींबू डाल रहे हैं। और यार ये इतने सारे नींबू डाल देना कि मतलब कि नींबू का ना स्वाद ही एक अलग आता है डालने के बाद। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से नींबू डाल रहे हैं। और भैया मेरे को बता रहे थे कि ये करीबन करीबन 60 साल पुरानी इनकी यही ठिया है जो इनका ये पूरा सेटअप है। और ये देखो यार, पहले तो तुम यार इनकी यार ये बनाने की स्पीड देखो यार, क्या जबरदस्त तरीके से मिक्स कर रहे हैं छोलों का यार। मतलब यार भैया मजे बांध दिया यार तुमने यार। मतलब दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ यार, तुमने एक बार खा ली ना, ओहो मजा आ जाएगा। ये देखो भैया कि ये होती है इनकी कचौरियाँ, और ये मट्ठी टाइप होती हैं, मट्ठी पे ऐसे छोले लगा के। और फिर ये देखिए कितनी स्पीड देखो यार भैया की। और ये दूसरे वाले जो भैया हैं इन्हें पत्तों में सेट करते हैं, और ये मट्ठी और छोले तैयार करते हैं इस पे लगा के। और उसके बाद ये अपने जितने भी इनके मसाले होते हैं, अभी मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। ये देखिए भैया को देखिए कि ये कितनी प्लेटें तैयार कर रहे हैं मतलब एक साथ ये। और ये तो कोरोना के चक्कर में फिर भी इनके पास मुझे लग रहा है आज भीड़ कम है, नहीं तो यार यहाँ तो पूरी लाइन लगती है इस टाइम, तो दोपहर के टाइम पे तो आपको शायद यहाँ 15-20 मिनट वेट भी करना पड़ जाए। ये देखिए अभी भैया इन पे अपनी चटनी डालनी है स्पेशल जो आपको बताई थी पहले। तो देख सकते हैं आप जैसे कि हमने ले लिए, तो मैं आपको सच में यार मैंने तो पहले टेस्ट करके फिर से आज टेस्ट करके बता देता हूँ भाई, सब गजब मज़ा आ गया, खाना मज़ेदार। आप भी आओगे खाओगे ना तो सच में बोलोगे भाई मज़ा आ गया, खाना मज़ेदार।